छपरा जिले से एक खबर सामने आ रही है, जहां छपरा के जेल सुपरिटेंडेंट रामधार सिंह करोड़पति बन गए हैं। बता दें कि सरकारी पद का दुरुपयोग कर ये भ्रष्टाचार में लिप्त रहे हैं। इस बात के ठोस सबूत निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम को मिला, जिसके बाद कल ही यानी गुरुवार को इनके खिलाफ पटना में आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया गया। वहीं शुक्रवार को यानी आज निगरानी की टीम ने इनके 3 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी कर दी है। बता दें कि गुपचुप तरीके से प्लान वे में निगरानी की अलग अलग टीम ने आज सुबह 10:30 बजे के बाद छपरा, पटना और गया में एक साथ कार्रवाई शुरू कर दी। वहीं छापेमारी DSP सुरेंद्र कुमार महुआर के नेतृत्व में की गई है। एक टीम छपरा में जेल सुपरिटेंडेंट रामधार सिंह के सरकारी घर और ऑफिस को खंगाल रही थी, जबकि दूसरी टीम पटना में जक्कनपुर थाना के तहत पुरंदरपुर इलाके के अपार्टमेंट में स्थित फ्लैट और तीसरी टीम गया जिले में स्थित पुस्तैनी घर को खंगाल रही थी। वहीं निगरानी मुख्यालय के अनुसार जेल सुपरिटेंडेंट के ऊपर सरकारी सैलरी के अलावा आय से 1,21,00,000 रुपए अधिक की काली कमाई करने का गंभीर आरोप लगा है। इनके बारे में पहले भी काफी शिकायतें थी, जिसके बाद निगरानी की टीम एक्टिव हो गई और इंटरनल तरीके से जांच शुरू कर दी। सुपरिटेंडेंट पर लगे आरोप की पड़ताल हुई और अब उसके बारे में ठोस सबूत जुटाए गए हैं, फिर छापेमारी की गई है। छपरा से रविशंकर मिश्रा की रिपोर्ट। काजरा से गिरफ्तार हो गए हैं? काजरा था छपरा में। जेलर है